हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजकुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इनस मैं आज क्लास से आया हूं और आज जो हमारी ट्रेनिंग है वो क्लास में ही आपको एक किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको डिटेल से समझाएंगे और इस पार्टिकुलर टॉपिक को आप इतना गौर से देखना है कि आप अपने नॉलेज को भी इनहेंस कर सकें और आपके क्वेरीज हैं जो भी आपके रिक्वायरमेंट होते हैं उसको ये फुलफिल करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9111003 पे कॉल करें, जुड़े हमारे साथ। अब जो हमारे ट्रेनिंग आएंगे जिस टॉपिक पे बताएंगे इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर नसीर इकबाल और मैंने अपना बीटेक 2023 में पास आउट किया है और फिलहाल मैं सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग करते हुए मुझे 2 मंथ हो चुके हैं, लगभग 2 मंथ कम्प्लीट होने वाले हैं। और इस दो मंथ के जर्नी में मैंने काफ़ी चीज़ यहाँ सीखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पहले प्लॉटिंग कटिंग करना सीखा है, सेंटर लेआउट करना सीखा है और सर्वेइंग सीखा है, ऑटो कैड सीखा है और ऑटो लेवल चलाना सीखा है और बार बेंडिंग शेड्यूल सीखा है। और उसी में से मैं एक टॉपिक आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो मेरे टॉपिक का नाम है पाइल। तो पाइल आखिर होता क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं? पाइल एक तरह का फुटिंग है, जो फाउंडेशन है जो हम यूज करते हैं, जहाँ हेवी लोडेड स्ट्रक्चर बिल्डिंग हो वहाँ पे हम पाइल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रेलवे हो गया या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, मॉल बनती हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। और जहाँ सॉइल के बियरिंग कैपेसिटी कम होता है वहाँ पे भी हम पाइल का इस्तेमाल करते हैं। और आज हम पाइल देखेंगे, इसका कटिंग लेंथ निकालना सीखेंगे। ये हमारा ये एक पाइल हो गया। अब इसमें हम बार मेन बार इसका मेन बार का कटिंग करना सीखेंगे। तो इसमें एक बार लगा होगा जो यहां से और एक बार इधर से लगा होगा और हमें इसका इसके यहां से यहां की दूरी है 500 mm और यहां से यहाँ की दूरी है 10,000 और यहाँ मेरा जो है ये PCC यहाँ किया हुआ है और यहाँ से यहाँ की दूरी 750 mm है। अब हम इसका मेन बार का कटिंग सीखेंगे। और इसमें एक कवर भी प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे ये जो है ये कवर लगी हुई है कवर किस लिए देते हैं? कवर इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो मेन बार है, चाहे हमारा कोई भी बार है, वो डायरेक्ट एटमोसफेयर के कांटेक्ट में ना आए। और कांटेक्ट में आएगा डायरेक्ट एटमोसफेयर के तो हमारे बार में रस्टिंग होगी, उससे क्या होगा कि हमारा जितना भी पाइल वो सब डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए हम कवर देते हैं और कवर इसमें देते हैं 60 mm का, जिससे हमारा क्या हो कि यहाँ से पाइल मेन बार जो है हमारा अंदर रहे और ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए और हमारा पाइल अच्छे से रहे और अच्छे से कंक्रीट और मेन बार में स्ट्रेंथ बनी रहे। तो अब इसके निकालने का फॉर्मूला है, हम आसानी तरह से इसको निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। इसे नेम ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी, कटिंग लेंथ। अब हम क्या करेंगे, ए से बी की दूरी लिख लें, ए से बी की दूरी लेंगे, फिर प्लस बी से सी की दूरी लेंगे, प्लस सी से डी की दूरी लेंगे और इसमें बैंड डिडक्शन करेंगे क्योंकि हमारा बार जो है दो बार बैंड हो रहा है, एक यहाँ और एक ऊपर। तब देखिए ए से बी की हमारी दूरी है 500 mm। अब इसमें हमारा देखेंगे कवर कहाँ कहाँ लग रहा है, एक यहाँ कवर लग रहा है ये साइड और एक इधर लग रहा है, तो हमें कवर मालूम है कि 60 mm का कवर देते हैं, तो 60-60 दोनों तरफ माइनस कर लेंगे। फिर हमें बी से सी की दूरी, तो बी से सी की दूरी सॉरी यहाँ पे होगा सी पॉइंट
तो हमें बी से सी की दूरी डी भी है 10,000। इसमें से भी हम कवर माइनस करेंगे, तो इसमें कवर सिर्फ नीचे लग रहा है, ऊपर तो कहीं कवर नहीं है, इसलिए हम नीचे से सिर्फ कवर माइनस करेंगे 60 mm। प्लस सी से डी के हमें दूरी दी हुई है 750। अब इसमें बैंड डिरेक्शन माइनस करना है, तो बैंड डिरेक्शन हमें माइनस करने से पहले हमें देखना पड़ेगा बैंड कितनी कितनी जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है, दो जगह हमें बैंड हो रहा है, तो दो, और बैंड डिरेक्शन का फॉर्मूला है 2D, तो यहाँ 2 हो गया, और डी मतलब हो गया हमारा जो बार है उसका डायमेंशन, डाय जो डी का मतलब है इसका बार जो है हमारा उसका डाया होगा, तो डाया हमें बार यहाँ इस्तेमाल हो रहा है जो 60 mm 16 mm का, तो 16 mm ये हो गया हमारा डाया। अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 380 प्लस ये हमारा आएगा 9,940 प्लस ये हमारा है 750 जो है हमारा वही रहेगा, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 64। और टोटल कैलकुलेशन करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 11006 mm। और इस बार को भी निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और हमारा उस बार का भी कटिंग लेंथ पता चल जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें।